यू वॉन्ट बिलीव, यहाँ से हर एक चीज सिर्फ 1,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगी। सुमू और मैं आए थे शॉपिंग करने के लिए। ये हमेशा मेरी शॉपिंग में बस बोर ही होते रहते हैं। वेल, आज तो मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, स्टिल मैंने होप नहीं छोड़ी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। फाइनली ये टॉप बड़ा कूल लग रहा था तो ये मैंने रख लिया और साथ ही एक दो चीजें और भी उठा ली थी। नीचे गर्ल सेक्शन के ट्रायल रूम के आगे काफी भीड़ थी, इसलिए हम बॉय सेक्शन के ट्रायल रूम के आगे आ गए, पर यहाँ भी काफी टाइम लग रहा था। और सुमो यहाँ भी अपने फोन में बिजी थे, ही इज ऑलवेज ऑन हिज फोन। क्या आपके हस्बैंड भी ऐसे ही हैं? तो इतने वेट के बाद फाइनली मुझे ट्रायल रूम में स्पेस मिल गया। चलो अब जल्दी जल्दी आपको पहनकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया ये वाइट टॉप, जो कि मुझे ओके लगा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट था तो इतना मजा नहीं आया, बट इट वॉज ओनली 499। चलो बाकी सब ट्राई करके देखते हैं। तो सेकंड नंबर पर मैंने ट्राई किया था ये फ्रंट नेक कट स्टाइल वाला टॉप, जो मुझे काफी कूल लगा एंड इसका फिट भी काफी अच्छा आया था। तो मैं इसे दूंगी पूरे 10/10 मार्क्स, बिकॉज पीछे से ये मुझे ऑफ शोल्डर फील दे रहा था और फ्रंट साइड से समथिंग न्यू, तो ना लेने वाला तो कोई सवाल ही नहीं था। ब्लू टॉप कुछ ऐसा लग रहा था मुझ पर, जो कि काफी वाइब्रेंट सी लुक दे रहा था मुझे। वैसे तो ये काफी अच्छा था, बट इसकी बाजू काफी लॉन्ग हो गई थी और मुझे पर्सनली ऐसे टॉप्स कम ही पसंद है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि मुझे ये रखना चाहिए था या नहीं। चलो टॉप्स तो खत्म हो गए, अब बारी आती है ड्रेसेस की। तो ये ग्रीन कलर की ड्रेस बहुत प्यारी लग रही थी और इसका ये इनविजिबल कट, ओ माय गॉड, ये मुझे काफी अच्छा लगा। और ये मेरे प्यारे सुमू ने सिलेक्ट करके दी थी मुझे, तो मैंने सोचा इसे तो मैं रख ही लेती हूँ। अगेन आई ट्राइड ए ड्रेस, पर ये मुझे लूज थी और इसका प्रिंट भी इतना प्यारा नहीं लग रहा था, तो अगेन इट वॉज ए नो फ्रॉम माई साइड। और मेरे पति देव ने इन्हीं दो चीज़ों को डन किया था, द ब्लैक वन टॉप एंड दैट ग्रीन ड्रेस। तो हम इसकी बिलिंग करवाने चल दिए, पर इस सब में टाइम कुछ ज़्यादा ही लग गया। सुमो मेरे लिए कल एक ड्रेस लेकर आए थे जिसका साइज मुझे काफ़ी लूज था और उसे एक्सचेंज कराने के लिए हम आज यहाँ आए थे। और सुमो यही सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ही लेके आया इसके लिए ड्रेस। वैल, यहाँ पर मेरे प्यारे सुमो ने सारी बिलिंग करवा ली। वैसे ये दोनों चीज़ें मुझे सिर्फ 1400 में पड़ी। इसके बाद हम गाड़ी में बैठे, पर इतना घूमने के बाद बहुत भूख लग गई थी, तो मैंने सुमू से कहा कि कुछ खिला ही दो यार। हम आए थे क्रीम ड्रीमरी प्लेस पर, यहाँ की आइसक्रीम मेरी फेवरेट है, तो हमेशा की तरह मैंने करवाई थी मेरी फेवरेट फ्रेश फ्रूट आइसक्रीम, बिकॉज मेरे जो में काफ़ी पेन था मेरी अकल झाड़ के कारण और मुझे कुछ ठंडा ही खाना था। और यहाँ मैं आपसे बात कर रही थी कि इतने में ही सुमू ने खाना भी स्टार्ट कर दिया, और जब मैंने एकदम से देखा तो मुझे खिलाने लग गए, चालाक कहीं के। लो गाइस, आप भी खा लो ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आई जस्ट होप आपको मेरे साथ शॉपिंग करके अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन माय वीडियो। थैंक यू।